आइए धम्म का दायक बनना सीखे। धम्म दायक बनने से हमारे वर्तमान जीवन में बहुत हम लाभान्वित होते हैं, बड़ा ही लाभ होता है। सद्धम्म हमेशा निरंतर जीवित रहता है। सद्धम्म ये कोई डेड जैसी, खत्म हुए जैसी वस्तु नहीं है, वो निरंतर अनंत काल तक जीवित रहता है। सद्धम्म का मतलब है इस सृष्टि की, इस निसर्ग की परम सच्चाई, परम सत्यता, वास्तविकता, और उस वास्तविकता को जानकर, समझकर, उसे देखकर, यदि हम उसके साथ जुड़ जाते हैं अपने अंतर मन से, तो हमारा शरीर धम्ममय हो जाता है, हमारी काया धम्ममय हो जाती है। इसलिए त्रिरत्न से जुड़ना सीखे, बुद्ध रत्न, धम्म रत्न और संघ रत्न। बुद्ध का मतलब है परमोच्च ज्ञान, उच्चतम ज्ञान। हमेशा ज्ञान का स्मरण करे, ज्ञान के रास्ते पर चलना सीखे। धम्म का मतलब है इस विश्व की नियामता, वास्तविकता, जो हर जगह पर चर चर में समाई हुई है, हर अणु परमाणु में उसका साक्षात्कार होता है, उसका दर्शन होता है, उस सद्धम्म का, उस नियामता का। तो विश्व की नियामता है। और संघ का मतलब है ऐसे रास्ते पर चलने वाला संघ, मंगलमय रास्ते पर चलने वाला संघ। ये त्रिरत्न से अपने आप को जोड़ो, धम्म के दायक बनो, सद्धम्म के दायक बनो, सद्धम्म को कंधे पर ले जाने वाले बनो, तो जीवन धन्य होगा, मंगल होगा आपका, कल्याण हो आपका। धम्म के दायक के बारे में और भी आपको हम समझाएंगे। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।